सो गाइज, जैसा कि गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूँ फिर से आप लोगों का एक नए एडवेंचर में। जैसा कि मैं चिदंबरम में रुका हुआ था, चिदंबरम में नटराजा टेम्पल और अन्नामलई यूनिवर्सिटी देखा, काफ़ी खूबसूरत था। लेकिन वन थिंग, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो मेरे साथ पहली बार घटित हुई घटना। तो कोई ना, मैं इसी ये क्या बोला जाता है, वो जहाँ पे शादी वगैरह होता है महल है, तो यहीं पे मैं आके रात में सोया। और यहाँ पे सोने का मुझे 200 रुपये देना पड़ा। खैर मैं नहीं दिया, कोई और दिया, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छा नहीं हुआ। खैर जो भी है, लेकिन अब हम चलते हैं तंजावुर के लिए, निकलेंगे यहाँ से। 115 किलोमीटर है तंजावुर, तो चलिए फटाफट हम अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मिलते हैं हम आपसे अपनी राइड पे। सो गाइस, जैसा कि हम थोड़ा लोकल रूट से जा रहे हैं हाईवे पकड़ने के लिए, क्योंकि एक और रूट था वो काफ़ी लॉन्ग पड़ रहा था, उसको छोड़ के मैंने एक लोकल रूट बनाया और उसी हिसाब से चला हूँ। और आगे 13 किलोमीटर बाद एक हाईवे है, हाईवे नंबर 81, उसी से हम चलेंगे तंजावुर। जैसा कि मैं जा रहा था, तो यही एक अन्ना जो अंदर गए हैं, इन्हीं का ये घर है, तो यही लेके आए हैं और हमें ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किए हैं। तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा आज धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है, आप लोग देख सकते हैं पूरा कभी से राइड किया। और मॉर्निंग में 7:30 के आसपास मैंने अपनी राइड स्टार्ट किया, उधर कुछ नहीं मिला था, पूरा आउटसाइड एरिया था, तो समथिंग 30-32 किलोमीटर तक राइड किया, तब जाके ब्रेकफास्ट मिला। यही तो आले बिना खाए पिए 30 किलोमीटर राइड करना भाई प्रॉब्लम होती है, पर कोई ना, जो है बढ़िया है। आज एक बार फिर से बारिश का मौसम बन गया है, और बन गया नहीं, एक एक थोड़ा बूंद आ भी रहे हैं। सो लग रहा है कि अब राइड स्टार्ट होगा कुछ टाइम, तो देखते हैं, चलते रहे। सो बारिश अभी हुई है कुछ टाइम पहले, लेकिन फिर से बारिश का मौसम, क्योंकि वेदर इधर का बहुत मस्त है। जैसे कि मैं हाईवे पे आ चुका हूँ, और ये जो आप लोगों ने देखा अभी पीछे देख रहे हैं, ये एक मेरे हिसाब से पूजा है कि शादी विवाह है, कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ की एक कल्चर संस्कृति के हिसाब से है, जो भी है अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से यहीं पे खड़े होके देख रहा हूँ, पता चल रहा था सब लोग नाच रहे थे। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और ये रहा हमारा आज का लंच, तो हम लंच करते हैं और रेस्ट। जैसा कि लंच कर लिए हैं, लेकिन आप लोग ये बादल देख सकते हैं, काफ़ी मेरे सर के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं तो लग रहा है कि बारिश फिर से एक बार आएगी, लग रहा है कि आज तंजावुर नहीं पहुंच पाएंगे। अभी एक बजने वाले हैं, यहाँ से 57 किलोमीटर है तंजावुर। सो गाइज, जैसा कि अब हम आ चुके हैं समथिंग कोब कुंडम करके कोई जगह है, और यहाँ पर ये एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह हमें दिखा। सो रुकेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से मंदिर हैं, तो अगर हर जगह रुका जाए तो भाई पॉसिबल नहीं हो सकता है। और दूसरा रीज़न क्या है कि यहाँ से समथिंग 25 किलोमीटर या 20 के समथिंग तंजावुर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग बहुत जल्दी पहुँचेंगे। Oh, so it's good.
गाइस, जैसे कि मैं तंजावुर पहुंच चुका हूं और सेकंड रीजन कुछ नहीं है। और जैसे कि मेरा यार ये वाला जो माइक है ना का डिस्चार्ज ज़्यादा हो जा रहा है, वैसे मैं चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ। समथिंग 20-30% रहता है तो उतना ही पे मैं यूज कर लेता हूँ, लेकिन फिर डिस्चार्ज बहुत जल्द से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेंपल है तंजावुर में, उसी वजह से मैं आया कि क्यों ना तंजावुर को भी देख लिया जाए, क्योंकि तंजावुर वो बहुत फेमस सिटी है और बहुत बड़ी, मतलब बड़ा सिटी नहीं है लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा टेंपल है। लेकिन इधर का आसपास का जो भी सीन है बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं आप लोग को कुछ दिखा देता हूँ, बाकी अंदर का दिखाएंगे। सो ये आप लोग देख सकते हैं तंजावुर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे कोई फेस्टिवल है ये भाई हमें बता रहा था जो मेरे साथ है। सो ये रहा, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट देखते हैं। तो इधर जो भी ये टेंपल्स मिलेंगे आप लोग को, तो क्या है ना कि एकदम सेम स्ट्रक्चर सेम डिजाइनिंग का रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा इधर मंदिर रहेगा। और साउथ में मंदिरों की खूबसूरती से ही तो साउथ की खूबसूरती है भाई। इधर जम के पूजा किया जाता है, अच्छा है, ये चीज़ है, आस्था में विश्वास रखनी चाहिए। सो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा बस स्टैंड। इधर का बस स्टैंड इतना VIP, वाह मानना पड़ेगा। लेकिन ये सिटी भी काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं आ चुका हूं और यहां पे आया हूं खाना खाने के लिए होटल में, क्योंकि मेरा रहने और खाने का सब कुछ इंतजाम मतलब कॉम्प्लेक्स की तरफ से हो गया, तो उन्होंने इस होटल में भेजा है कॉल करके। तो यहीं पे मैं आया हूं खाना खाने के लिए, खाना खाता हूं। और इसके इसी होटल के पीछे का फ्रंट लॉज का क्या है, तो उस लॉज में हमें रहने का उन्होंने व्यवस्था किया है, तो वहीं पर हम चलेंगे रहेंगे रात में। अभी फिलहाल मैंने खाना में ऑर्डर किया है रोटी और चना मसाला, लेकिन काफ़ी टाइम से रोटी नहीं खा रहा था, तो इस वजह से हमने ऑर्डर किया और खाते हैं। तो गाइस जैसा कि ये रहा चना मसाला और ये रहा रोटी, जिसका मतलब एक ये एक रोटी इसका एक प्राइस 40 रुपये। सो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही महंगा है भाई साहब, बहुत महंगा। तो गाइस जैसा कि यही रूम है और अब हम डिनर कर लिए हैं और ये रूम मिल गया है, ये लॉज है जो जिन्होंने हमें दिलवाया। सो अब हम चलते हैं फटाफट सोते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। ये लैट्रिन बाथरूम सेपरेट है, सब कुछ है, ठीक है, सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।